तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 23 के आगे के प्रोसीजर के बारे में। टीयर वन का पेपर आपका 14 से लेकर 27 जुलाई के बीच में 39 शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको इंतजार हो रहा होगा कि जल्दी से इसके आंसर किया जाए और हमें अपने मार्क्स का पता लग जाए और उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आप जो है टीयर वन का पेपर आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी आगे की एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में हम जानेंगे ज्वाइनिंग तक की। ठीक है, टीयर वन की आंसर की, टीयर वन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, मेंस की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में, मेंस का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में और फाइनल रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है और उसके बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, आरटे का रिप्लाई है दोस्तों एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी के बारे में और इसकी अटेंडेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों चलते आगे। तो सीजीएल 23 की दोस्तों एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी की पीडीएफ स्टेट वाइज, ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर स्टेट्स हैं और वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023। वीडियो रोक कर दोस्तों अभी जो है सब्सक्राइब कर लो, 29 जुलाई की ये डेट है और 5:03 पर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम आगे का टीयर वन की दोस्तों आंसर की, ये एक्सपेक्टेड डेट है आपकी टीयर वन की दोस्तों आंसर की 3 से 4 अगस्त के आसपास जो आ सकती है। ठीक है, एक दिन पहले लिंक जनरेट हो जाएगा और उसके बाद जो है ये लिंक एक्टिवेट होने के बाद आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों टीयर वन का रिजल्ट अगर मैं बात करूं तो 10 से लेकर 20 सितंबर के बीच में आपका टीयर वन का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, मेंस की एग्जाम डेट दोस्तों 15 से लेकर 25 अक्टूबर तक हो सकते हैं आपकी, इसके बीच में आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपने अपना टारगेट जो है कंप्लीट या अचीव कर लेना है 30 सितंबर तक। ठीक है, अक्टूबर की डेट में नहीं जाना, 30 सितंबर तक यानी कि 1 अक्टूबर से पहले पहले अपना मेंस का जो भी आपने शेड्यूल बनाना, जो भी टारगेट करना है वो अपना टारगेट कंप्लीट करके उसके बाद कंप्लीट मॉक टेस्ट और रिविजन को ही देना है। ठीक है, जितने भी दिन बचेंगे इससे 2-4 दिन पहले भी क्या पता हो जाए। ठीक है, एसएससी इज द फास्ट मोड में है तो मेंस की दोस्तों आंसर की उसके 4-5 दिन के बाद मान लिया आंसर की जो है आ जाएगी 5-7 दिन के बाद। ठीक है, लेकिन मेंस का दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, जो मेंस की आंसर की आएगी और जो उस आंसर की के बेस पर जो आपके मार्क्स बनेंगे उसी बेस पर आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, आपको ऑडिटर लेना है, आपको टैक्स असिस्टेंट लेना है, आपको सीबीआई में जाना, किस पोस्ट में जाना है आपने, वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका निकलेगा लगभग नवंबर के एंड में। ठीक है, हो सकता है 2-4 दिन, 15 नवंबर 20 नवंबर 25 नवंबर जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फाइनल रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है 10-15 दिसंबर के में आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि दिसंबर में दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि आप किस नौकरी पर आपका सिलेक्शन हुआ है और उसके जो दोस्तों 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो है डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, कोई 2 महीने में भी करवा देता है, कोई 3, कोई 4, कोई 5 तक ले लेता है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से फरवरी में दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एएसओ सीएसएस वगैरह का स्टार्ट जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आपको एक्सपेक्टेड है ताकि आपको एक पता लग जाए कि आपने आखिर आगे क्या करना है, इस तरह से आप जो अपना शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, और इसकी जो सीजीएल होती है इसकी वैकेंसी है, वैकेंसी में आपको बताऊं दोस्तों टीयर वन का रिजल्ट डिक्लेयर होने से जस्ट 1-2 दिन 5 दिन पहले आपकी वैकेंसी डिक्लेयर होंगी या उसी दिन डिक्लेयर होंगी। ठीक है, तो यानी कि आप मान के चलें सितंबर में आपको एग्जैक्ट जो है वैकेंसी का पता लगेगा। ठीक है, अभी 7,500 हैं, वो 10,000 तक पहुंच सकती हैं। ये दोस्तों आप हैं आपकी अटेंडेंस के बारे में आगे बात करेंगे तो कट, ये दोस्तों स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की, ठीक है, ये दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई आया है, ये रिप्लाई इसका क्रेडिट जाता है अर्पित शुक्ला को। ठीक है, 24 जुलाई 2023 का ये रिप्लाई है, इसके अंदर दोस्तों वैकेंसी का डाटा पूछा गया है, वैकेंसी का डाटा दोस्तों मैंने इस तरफ लिख दिया ताकि आपको आसानी से दिख जाए, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखता है। तो यूआर की दोस्तों सिर्फ 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 52 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है और एसटी की 18 है, यानी कि दोस्तों यूआर और एससी को तो बिल्कुल ही नहीं है, यूआर की भी दोस्तों 4 वैकेंसी, ओबीसी पे दोस्तों मेहरबान है डिपार्टमेंट 52 वैकेंसी इस बार इसको मिली है। ठीक है, टोटल 86 वैकेंसी जो है हुई है, सबसे जो कम कट ऑफ जाने वाली है टीयर वन की या ऑल ओवर भी वो दोस्तों इसी की जाएगी, ये सेपरेट इसकी कट ऑफ बनेगी सभी से। ठीक है, तो 3-4-5 तरह की कट ऑफ बनेगी, वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, क्या क्या कुछ इसकी कट ऑफ दोस्तों 120 के आसपास रह सकती है, 125 भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर यूआर की वैकेंसी काफ़ी कम है
ओबीसी की दोस्तों काफी कम जाएगी इस बार कट ऑफ, क्योंकि वो कैंसी अच्छी खासी है। ठीक है तो दोस्तों जो भी माल्या क्लियर नहीं हो रहा जिनका पेपर, वो दोस्तों आने वाले एग्जाम्स की जरूर तैयारी करें। ठीक है मेंस की तैयारी कर रहे हो साथ के साथ जो है ये आपके भी पेपर उसी दौरान हो जाएंगे। ठीक है जैसे कि सीएचएसएल है अगस्त में है बड़ी, इसलिए तभी कह रहा हूं कि आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें। एमटीएस 2023 का सितंबर में है, सीपीओ का दोस्तों अक्टूबर में, सीपीओ का वही 3 से 6 अक्टूबर, जो एसएससी का दोस्तों शेड्यूल है वो 16 अक्टूबर से दोस्तों खाली है नवंबर तक, यानी कि तभी मैं इसको जो है 15 से 25 अक्टूबर के बीच में मान रहा हूँ कि आपका मेंस क्यों होगा। 16 अक्टूबर तक एसएससी का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। ठीक है जो एग्जाम शेड्यूल है वो भी मैं डाल दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है तो दोस्तों एसएससी एमटीएस की अगर आप बुक लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ एमटीएस 2023 के लिए बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसके अंदर नए पैटर्न के ऊपर जीके रीजनिंग इंग्लिश मैथ के लगभग 2150 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर मैं इस बुक के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो है सभी सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है जैसे दोस्तों इसके अंदर सोल्ड पेपर भी दे रखा है, और जैसे ही क्वेश्चन ये खत्म हो जाते हैं उसके बाद इन क्वेश्चनों का दोस्तों डिटेल्ड में क्या दे रखा है, सोल्यूशन भी दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह से जो है सोल्यूशन भी इसके अंदर दे रखा है काफी शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको जो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है अगर आप दोस्तों ये बुक लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपका जो है स्टडी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपका जो है टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस सेट लगाने की, तो इनके द्वारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट की भी एक बुक निकालेगी, जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 8 सोल्ड पेपर हैं, 2150 प्लस के क्वेश्चन हैं। दोनों बुक्स को लेने का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप दोनों बुक्स को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करूं अटेंडेंस के बारे में, अटेंडेंस दोस्तों सीजीएल 22 में 34 लाख ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था, इस तरह से दोस्तों सीजीएल 23 के अंदर 24 लाख ने फॉर्म अप्लाई किया था। ये आप देखेंगे यूआर के दोस्तों 5,08,080, यूओबीसी के 9 लाख, ठीक है ईडब्ल्यूएस के 1 लाख, इस तरह से ये फॉर्म अप्लाई किया था। इसकी अटेंडेंस दोस्तों 50% रही है, लगभग 12 से 13 लाख जो कैंडिडेट ने दोस्तों इसका पेपर दिया है। एग्जैक्ट आरटीआई का रिप्लाई दोस्तों आ जाएगा, ये एक अखबार की कटिंग में सीआर रीजन का जो अटेंडेंस जो है आपने देखा भी होगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है तो अगेन मैं दोस्तों कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स जो है मिलती रहें। सीएचएसएल के जो एडमिट कार्ड आए वो भी दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, वहाँ पर भी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डाल रखी है। ठीक है पिन किया हुआ मैसेज तो 29 जुलाई की डेट में डाल रखा है, तो वहाँ से जाइए और इनको डाउनलोड करके आराम से देख लीजिए आपके स्टेट में आपके शहर में वैकेंसी है कि नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो भी आपके डाउट्स हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड या जो भी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि वो डाउट्स मैं किसी और वीडियो में क्लियर कर सकूँ, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। थैंक यू।